हेलो फ्रेंड्स, एस्टेक चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। आज हम एयर कूल्ड कैरियर चिलर का कंडेंसर कॉइल जो है क्लीन करेंगे वाटर से। जैसे कि आप देख रहे हो, ये वी शेप में इसका कंडेंसिंग कॉइल को फिक्स किया हुआ है। इसमें दो कंप्रेसर है और इसका कैपेसिटी है 475 TR। ये नीचे वाली जो है चिल्ड वाटर रिटर्न लाइन है और ऊपर वाली चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन। उसमें बीच में एक बाईपास वाल दिया हुआ है। ये ऊपर वाली चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन है और इसमें ये इकोमोनाइजर भी दिया हुआ है। ये दो से कंप्रेसर है, इसलिए एक चिलर में दो है, एक एक कंप्रेसर के लिए के। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कॉपर कॉइल नहीं है, ये एल्यूमिनियम कॉइल है। तो इसको क्लीनिंग करते वक्त बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, बाय मिस्टेक भी आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखिए प्रेशर डायरेक्ट आप जेट गन को नज़दीक लाएंगे तो इसकी जो कॉयल है डैमेज हो जाएगा और गैस लीक हो जाएगा, क्योंकि ये एल्यूमिनियम के कॉयल्स हैं। ये जो इसका मॉडल है, मॉडल नंबर, thank you।
अभी हमने सर्विसिंग जो स्टार्ट कर दिया है। देखिए ये वीशेप होने के कारण इसमें सर्विसिंग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जेड गन को हम सीधा नहीं डाल सकते। और देखिए एक 1.5 फीट या 2 फीट की दूरी बनाए रखें जब जेड गन को यूज़ करेंगे। और ध्यान रखना है, बाय मिस्टेक आपके ध्यान पर भटक जाएगा तो पिंस डैमेज होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये एल्यूमिनियम की कॉइल होने के कारण बहुत नाजुक होता है, जिससे प्रेशर से ख़राब हो सकता है। ये देखिए बहुत ही गंदा है और बहुत इससे डस्ट निकल रहे हैं। देखिए इसके सारे कंप्रेसर जो है कवर किए हुए हैं पैनल से, जिसके कारण पानी वगैरह अंदर जाना डिफ़िकल्ट है। इसको अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है मैन्युफैक्चरर ने, कि इसको आसानी से टेक्नीशियंस जो है सर्विसिंग कर पाए। देखिए अभी भी बहुत सा कचरा निकल रहा है इसमें से। ये वी शेप होने के कारण सर्विसिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जेड गन जो है हम सीधा नहीं डाल पा रहे। जब आप चिलर को सर्विसिंग करने जाओगे तो पहले उसके सिस्टम स्विचेस जो है उसको ऑफ़ कर लेना है, उसके बाद कंट्रोलिंग स्विच को ऑफ़ करना है, उसके बाद ही मेन ब्रेकर को ऑफ़ करना है।